लोग ये सब खोल दिए थे, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें व्हाट स्मोक मरता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ रिंग डालेंगे। जिनका बाइक उन्होंने बोला जितना सस्ता में हो सके उसका व्हाट स्मोक बंद कर दो, ठीक है। अगर पिस्टन भी सही रहेगा, सिलेंडर भी सही रहेगा, तो हम लोग रिंग डाल के बंद कर देंगे। और तो कितना दिन चलाएंगे, चलाओ किस्मत साथ देगा तो साल भर चलेगा। तो खुलते खुलने के बाद ही पता चलेगा क्या इसमें आई कि नहीं, इसमें रिंग डालने से चलेगा या नहीं चलेगा। तो फटाफट से हम लोग साइलेंसर वाइलेंसर खोल लेते हैं। तो फ्रेंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आई घंटी मिले उसको भी प्रेस करें, और वीडियो शेयर करें। निकाल दिया है ना। तो इधर से अभी दस नंबर का दो मॉल रहता है यहाँ पे, हुंडा साइन में भी आता है देखे यहाँ पे अंदर में से, ठीक है ना। दोनों पहले ही खुल ले हम लोग। निकाल लेंगे आदमी कम है क्या भाई, आदमी कम है सब, वीडियो बनाना भी दिक्कत है। चलो बना लेते हैं, देखे हैं निकल गया, देखा सिलेंडर को। चलो ये गैसकेट हेड गैसकेट उठा लेते हैं, टाइमिंग सेट का पेट भी उठा ले एक ठो। आप इसको देखते हैं पिस्टन का क्या हालत है, ये देखे ये हिलता है, देखे इसका मतलब सीज हो गया सर, देखे कितना हिलता है। तो कैसा होगा, तो ऑयल तो चाटेगा, ठीक है थोड़ा उठाते हैं। नीचे से पकड़ ले, चलो आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ, टाइमिंग से इधर आ गया। तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, टाइमिंग से पेड़ में टेंशनर में फंस गया था, तो इसलिए हम लोग टेंशनर को खोल लिए, ठीक है ना। तो अभी देखते अभी आ जाएगा भाई। तो सिलेंडर में थोड़ा सा इसका साई, अभी पिस्टन का हालत देखते। तो फिर रिंग डालने से चलेगा कुछ दिन, उतना खराब नहीं है, चलने का लायक है, ठीक है ना। तो डालते कपड़ा पिस्टन का लॉक निकाल लेते, गजब ये हो गया लॉक। आ गया, ठीक है ना। देखिए आयन कार्बोरेटर साइलेंसर दोनों ऑयल रिंग का एक इधर आ गया। चलो कोई बात नहीं, चला लेगा ऑयल रिंग एक इधर आ गया। चलो खुलते और इसका गैपिंग देखते हैं अभी फटाफट से। इसका गैपिंग ज़्यादा गैपिंग भी नहीं है फिर, चलो ये भी उतना गैपिंग नहीं है। चलो रिंग डाल देंगे, चलेगा पक्का। तो क्या करेंगे अभी, हेड भी खुलना है, ठीक है ना। हेड खुल के देखिए भाल्व चलने का लायक है कि नहीं है।
कंपनी का फिटिंग है, क्या बना हुआ है, डब्ल्यू या एम, एम बना हुआ है, एम, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई कोई कंपनी का जब खुलते हैं कभी कभी डब्ल्यू भी बना आता है। तो एक जो मैकेनिक सेटिंग होता है, एक मैकेनिक को हर गाड़ी सेटिंग नहीं करता है, कभी वो करता है, कभी वो अलग अलग मैकेनिक सेटिंग है, जिसका जैसा मर्जी होता है वैसा करता है, कभी डब्ल्यू आता है कभी एम आता है, उससे कोई लेना देना नहीं। चलो थोड़ा बहुत ये सब पेट्रोल से वॉश कर लेंगे और हम लोग भी जाएंगे शोरूम, तो फिर इसको उठाना होगा। तो जो है थोड़ा सा चार से जैसे आ गया। चलो अभी हम लोग खोलेंगे इसका भाल, लगा दे कपड़ा। चलो इधर खोल दिया, एक लॉक इधर आ गया, इधर जाओ लॉक, तुम लॉक आ गया इधर, लॉक को ध्यान रखना पड़ेगा। निकल गया एक भाप। चलो ये वाला देखते हैं, गाइड भी सही लगता है। साफ कर लेते हैं बल्ब, ठीक है ना, बल्ब साफ करके बताते हैं बल्ब चलेगा कि नहीं है। तो फ्रेंड बल्ब पे हिसाब चलाएंगे, ठीक है ना, ये चलने का लायक है, चलेगा। जब कम पैसा में वाट स्मोक बर्न करना है बल्ब भी चलेगा, अगर ये तो चलेगा ही पक्का, ये बहुत हेवी होता है साइलेंसर वाला, अक्सर यही प्रॉब्लम होता है। तो ये चलने का लाख है, ये सही से गारंटी कर देंगे हम लोग, ये चलेगा, ठीक है ना। 6 महीना चलेगा तो बहुत हो गया, 6 महीना चलने से काफी। तो हम लोग थोड़ा से एक पुराना सा भाव से गारंटी कर लेते हैं, ठीक है ना। एक गारंटी करके हम देखते हैं शोरूम में इसका स्टैंडर्ड स्टोन का रिंग मिलता कि नहीं है। इसका सिर्फ स्टैंडर्ड रिंग डाल देंगे, थोड़ा सा हम लोग फिट भी कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग थोड़ा से अभी हेड गारंटी कर लेते हैं यहीं से। तो हेड ग्रेंटिंग हो गया, देखिए भाल पुराना सब है, फिर देखिए दोनों बिल्कुल सही हो गया। तो भाल सेल भी डाल दिया, देखिए 66 का मोटी 70 रुपये लिया हम लोग का यहाँ पे शोरूम में। तो पिस्टन का रिंग जो स्टैंडर्ड है, फिर मैं मिला नहीं, किशनगंज भेज दिया आदमी को, भाल सेल डाल दिया यहाँ पे। तो अभी हेड हम लोग फटाफट से फिट कर लेते, फिर ग्रेंटिंग का काम हो गया, भाल पुराना वाला है, हेड फिटिंग कर लेते, तब तक रिंग आ जाएगा तो फिट कर लेंगे। तो फिर पिस्टन का रिंग आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसटीडी, मतलब स्टैंडर्ड हो गया, ये होगा पुराना वाला, ये न्यू वाला। तो हम लोग फटाफट से रिंग फिट कर लेते। तो फिर स्प्रिंग वाला रिंग को अभी डाल देते हैं, फिर आ गया बीच में, तो इसको अभी ऐसे टेढ़ा के इधर रखते हैं, तो इसको इस किनारे पे आ गया, इधर इधर तो है ये, इधर इस तरफ रखते तो ऐसे रखते, ठीक है, एक इधर आ गया, दूसरा इधर, तो एक यहाँ एक इधर। टॉप टू आ जाओ ऊपर, ये
कंप्रेसर, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है ना। तो फिर ऑयल रिंग दिखाई देता है ना, ऐसे कोशिश करो, एक इधर है एक इधर है, ठीक है ना। ऑयल रिंग देखे, एक इधर एक इधर, कंप्रेसर एक इधर एक इधर, ठीक। तो फटाफट से हम लोग थोड़ा सा ऑयल देते हैं इसमें, ऑयल इसमें इंजन ऑयल डाल देते हैं, ठीक है ना। फिर से बदल देखे, कंप्रेसर एक एरिया इधर, कार्बोरेटर हाँ एक साइलेंसर, कंप्रेसर एक इधर एक इधर, और ऑयल रिंग जो है ना फिर हम देखे एक इधर है एक इधर है। तो हम लोग डालते इसमें इंजन ऑयल, ठीक है ना। मैं इंजन ऑयल डाल दिया ताकि रिंग यहीं पे बैठ जाए, इस तरह होने का साथ साथ तो इंजन ऑयल उठेगा नहीं फिर, ताकि सील भी ना हो। ये सब ऑयल डाल दिया, रिंग देखिए एक यहाँ पे बैठ गया एक इधर, ठीक है ना। ऑयल दे दे, यहीं पे बैठा दिया वहीं पे बैठे रहेगा, हिलेगा नहीं। ऑयल रिंग एक इधर एक इधर, चलो भाई आप फंसा लेते इसको, इधर से बैठ गया। तो अभी उधर से लॉक लगा देते, तो फिर गजल पिन का लॉक को फंसा लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा सा बाकी है, सिर्फ फंसा नहीं बैठ गया, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, कपड़ा को हटा लेते हैं, कनेक्टिंग से है फिर, जितना भी बड़ा गाड़ी है बड़ा गाड़ी का कनेक्टिंग प्रॉब्लम जल्दी नहीं होता है फिर, इंजन ऑयल खाली सही रहना चाहिए। चलो फिर लग गया, दिन तो घुमाने है ना, चलो ठीक है फिर से है। थोड़ा सा है पे ऑयल डाल देते हैं सिलेंडर में, हम लोग बोलते बोलो इसको, ऑयल डाल दिए। तो फिर इसमें डालते हम लोग रेसी बॉन, ठीक है ना। तो फिर आप इसको फंसाते, ठीक है ना। चलो धीरे से फंसाओ पिस्टन, पिस्टन रिंग को हिलना चाहिए, रिंग यहाँ पे हटे रहना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं हिलना चाहिए। चलो कहाँ पे फंसा रहे भाई, अभी रिंग सब सिर्फ नाखून से बैठा दो। चलो तो फिर थोड़ा सा घुमाते आराम से बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर देखे ये बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अभी क्या करेंगे, टाइमिंग चेन को हम फंसा लेते, ठीक है ना। तो तार को फंसा लेते, तार टनो टनो धीरे धीरे, हर बिल में किया है टनो, तो हम इसे फंसा दे अच्छे से, हाँ ठीक है ना। ऐसा टाइम के रखो टाइमिंग चेन को सही से, ठीक है ना। तो फिर अब हम धीरे धीरे से सिलेंडर बैठा लेते, तो देखे ये बैठ चुका आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसमें कपड़ा मार दे, अभी पहले हिलता था बहुत, अभी हिलना भी बहुत कम हो गया, रिंग डाल दे हिलना बहुत कम हो गया, और एकदम पक्का चलेगा ये, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी टाइमिंग चेन का पैड आएगा, टाइमिंग चेन का पैड को फंसा लेते हैं। चलो फंस चुका, तो फिर हेड गेस के रेसी बन से फंसा दिया, ठीक है ना। रेसी बन लगा दे, हेड फंसा लेते, ठीक है ना। देखिए हेड हम लोग ग्रैंडिंग के अपना हाथ से, और भाप जो है फिर पुराना बोला है, भाप सिल सिर्फ डाल दिए ओरिजिनल। चलो पकड़ो इधर पकड़ो, ये कैसे फंसना है भाई, हेड को, हेड को फंसाओ, पीआर से फंसाओ, कोई हेड भी नहीं है, आराम से फंस जाएगा, पीआर से फंसाओ हेड। तो फिर हेड भी फंस चुका है, चलो ये पकड़ो तार पकड़ो टाइमिंग चेन का। तो फिर देखे इधर फंस चुका है, ठीक है ना, स्टेड है हम लोग यहाँ से फंसा देते हैं। तो फिर देखे अभी बढ़ रहे थे रोकार के हमको, ठीक है ना। देखे रोकार के हम इसमें जैसा हुंडा साइन होता है सेम होता है, सिर्फ ऐसे बैठना है, ठीक है ना। बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ गया। तो अभी ऐसा स्टेड होता है पाइप सिस्टम साइन बोला मुझे, चलो इधर रखे, चलो काट लो फटाफट से काट लो। क्या करते हैं जो पहले 10 नंबर स्टेड सब फंसे सब काट लो, दोनों को टाइट करते हैं अंदर में रहता है।
तो फिर हम दोनों मीडियम टाइट करते हैं, ये सब थोड़ा सा टाइट करो, पहले हाथ से करो यार, देखते तो इस तरह सब अभी टाइट कर लेते हैं। तो फिर हम अभी फाइनल टाइट कर लेते स्टेट को, दो इधर हो गया, तीन चार फुल टाइट हो गया इधर, अभी अंदर वाला 10 नंबर तक को टाइट कर लेते, ठीक है ना। ये हो गया फुल टाइट कर लेते, टाइट हो गया, ये चार 12 नंबर का स्टेट हो गया, फिर वो चार भी टाइट हो गया, 10 नंबर का स्टेट भी टाइट हो गया, छह टाइट कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसका टाइमिंग चेक करके इसको देखा ये लगा के टाइमिंग मिला लेते हैं फटाफट से। तो फिर इसको तो फिर देखे यहाँ पे एक घाट, यहाँ पे एक घाट बराबर होना चाहिए, टेंशन आप फंसा देंगे, बिल्कुल सही है। तो अभी हम मिला लेते हैं 8 नंबर, दो बोल्ट पैक कर लेते फटाफट से, यहाँ टाइमिंग में पैक कर लेते। तो फ्रेंड उस समय जब हम लोग टेंशनर को खुले थे ना, तो टेंशनर को लगा लेते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड 8 नंबर दोनों बोल्ट टाइट हो चुका है, अभी टेंशनर को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे लूज किए थे उसको छोड़ दिया, हो गया टाइट अभी, ठीक है ना। तो फिर देखे दोनों 8 नंबर को टाइट कर चुका है, ठीक है ना। टाइमिंग में ट्रैफिक मिला लेते मिला लेते, ठीक है ना। तो फिर दोनों टाइपिट को मिला ले, दोनों लूज है, जितना रहना चाहिए उतना ही है, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट। तो फिर हम लोग कार्बेटर भी खोल लेते, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट से अभी कार्बेटर को फिट कर लेते, ठीक है ना। अभी दो तीन मिनट का अंदर, दो से तीन मिनट का अंदर ये गाड़ी स्टार्ट कर देंगे और कंप्लीट भी कर देंगे, ठीक है ना। फटाफट से हम लोग कार्बेटर फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड कार्बेटर फिट हो चुका है, ठीक है ना। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, हेड में इंजन ऑयल उठता कि नहीं, इधर से इंजन ऑयल उठना चाहिए। तो फ्रेंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आइकन घंटी मिले उसको भी प्रेस करें, ताकि आगे जितना भी वीडियो डालेंगे चैनल में टिकने वाला आपका नोटिस सबसे पहले पहुँचते रहे। तो फ्रेंड मारते स्टार्ट, ठीक है ना। यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, फिट कवर फंसा लेते फटाफट से। तो अभी टाइट कर लेते, अभी साइलेंसर भी फटाफट से हम लोग फंसा लेते। तो फ्रेंड साइलेंसर फिट हो रहा है अभी, तो फ्रेंड करते स्टार्ट अभी, तो स्टार्ट हो गया, लेकिन तो आवाज आवाज कुछ नहीं करता ना, चलो ठीक है। तो फ्रेंड देखे स्टार्ट हो गया, इसका जो काम था कंप्लीट हो गया। तो फिर बंद करते, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो फिर वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।